ये 200 से 300 साल पुराना बोट है। अंग्रेजों के जमाने में ये समुद्र की लहरों के अंदर तांडव मचाया करता था, ये विशाल भीमकाय ये जो जहाज है, लेकिन जो इसका मालिक था ना, हाँ? इसका मालिक उसके वो भी इसके अंदर ही रहता, वो भी मर गया। फोटो उधर है इसका मालिक, पहले अंदर था मालिक का फोटो, कपड़ा विपड़ा अभी कपड़ा वहाँ से दिखता था। और अच्छा। ये बोट पे काम चालू पानी, तो ये अंदर मर गया कैसे? हाँ? अंदर कैसे मरा वो? अरे वो दलदल में चला रहे थे हाँ? बोट, तो एक बोट से ठुकी हाँ? तो बीच पानी में डूबने लगी। अच्छा। यहाँ से दो तीन बोट गई थी इसको बचाने, तो यहाँ पे आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बोट का नाम है जाला 15 और उसका कुछ अलग नाम होगा शायद, वहाँ पर लिखा हुआ है के कमल, क्या नाम है? KAMAL कमल एक्स, वो कमल है। और यहाँ पर ये हर जहाज, ये इस जहाज का नाम है सूर्य शक्ति, देखो ऊपर ये लिखा हुआ है ना सूर्य शक्ति, और उसका कुछ अलग नाम है, ऐसे हर एक जहाज का। मुंबई की आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको एक ऐसा खतरनाक इलाका दिखाने वाला हूँ जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा। हो सकता है आपने बॉलीवुड की मूवीज के अंदर बहुत ही खतरनाक वाले इलाके आपने देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपकी यात्रा गुरुजी आपको खतरनाक इलाका दिखाने वाले हैं। फिलहाल मैं खड़ा हूं दोस्तों रे रोड रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में, और आप ये मेरे पीछे जो ये जितने भी शेल्टर देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के जमाने में जब यहाँ पर अंग्रेज हुआ करते थे तब यहाँ पर सीमेंट यहाँ पर स्टोर की जाती थी इन शेल्टर के नीचे। और आज ये चरस जो सोलसन सूंघने वाले गांजा पीने वाले लोगों का अड्डा बन चुका है, और आपको यहाँ पर बहुत सारे पीछे ये लोग इनके अंदर दिख रहे होंगे, ये सब के सब नशेड़ी है दोस्तों। और जैसे ही मेरे को इस इलाके में इन्होंने देखा तो थोड़ी भाई अपनी तो पर्सनैलिटी उस हिसाब से, ये तो मुंह छिपा के उस हिसाब से दूर चले गए, लेकिन दूर से बाहर से आने वाले लोगों को ये बहुत परेशान करते हैं, इस एरिया के अंदर रुकने भी नहीं देते हैं। फिलहाल ये वाली जगह जो है वो रे रोड रेलवे स्टेशन के पास में है, तो बहुत सारे आगे भी मुझे बहुत सारे लोग देखने लग रहे हैं जो सोलेशन सूंघने वाला नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, चरस वगैरह पता नहीं क्या क्या नशा करते हैं भाई साहब, मुंबई के अंदर ऐसे ऐसे नशे होते हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये जो आप ऊपर जो शेल्टर देख रहे हैं, ये जब अंग्रेज यहाँ रहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ थी तब यहाँ पर ये पूरे के पूरे सीमेंट स्टोर करने की ये जो है वो शेल्टर हैं। फिलहाल अंग्रेज चले गए तो ये शेल्टर बच गए और इनके नीचे ये इस प्रकार से नशेड़ियों का अड्डा बन चुका। फिलहाल हम चलते हैं अंदर, आपको बहुत अच्छे अच्छे एरिया दिखाता हूँ मैं। इस रास्ते से दोस्तों हम बस्ती के अंदर एंट्री कर रहे हैं और यहाँ का जीवन मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये रास्ते हैं और बरसात के टाइम यहाँ तो घुटने तक पानी इकट्ठा होता है, तो यहाँ पर भाई साहब फिर भी घुटने तक पानी के अंदर यहाँ पे लोग चलते हैं। चलिए दिखाते हैं, आप ये कुछ इस प्रकार की तस्वीर देख रहे हैं जो मुंबई की एक साइड की तस्वीर मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इस प्रकार की तस्वीर किसी के दिमाग में नहीं आती है, जब भी मुंबई का नाम सुनते हैं लग्जरी लाइफ के बारे में हम जानते हैं, लेकिन ये देखिए भाई ये जो एरिया है इसका नाम है दारूखाना। तो इसके पीछे नाम के पीछे का भी क्या इतिहास है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये इस प्रकार की सड़कों की हालत और ये मुंबई की कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ। पीछे ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लेकिन एक तरफ इस प्रकार की कुछ जिंदगियाँ भी बीतती हुई रोड साइड के किनारे। ये है भाई मुंबई, ये देखिए भाई इस प्रकार की तस्वीरें, और हमें कुछ इस प्रकार के कूड़े करकट के ऊपर से निकलना होगा आपके यात्रा गुरुजी को, क्योंकि नीचे बहुत कीचड़ है और अभी एक बाइक वाले ने भाई साहब कीचड़ उछाला था बहुत सारा। तो इस करकट के ऊपर से निकलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा इलाका मैं आपको दिखाने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर जिसको देखकर आप दंग रहने वाले। ये जो आप बस्ती देख रहे हैं दोस्तों, ये इस प्रकार से दारू खाने की बस्ती है वो टोटली, और यहाँ पे ये इधर इस प्रकार के नाले के पास में इस प्रकार से ये झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई है। आप इसके अंदर ये देखिए छोटी छोटी नावें भी देख रहे हैं, और इतने बड़े बड़े ये जो है कबाड़ हो रखे, बड़े बड़े शिप आप यहाँ पर देखने लग रहे हैं, और आसपास ये इस प्रकार से झुग्गी झोंपड़ियाँ भी बनी हुई है, यहाँ पर लोग जो है वो रहने लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये ज़िंदगी है, तो ये सिस्टम है भाई। माची
अब यहाँ पर ये इतना बड़ा जो शिप देख रहे हैं दोस्तों, पूरा कबाड़ पड़ा है, कम से कम कितने फीट लंबा होगा अभी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, बहुत दूर तक है। ऊपर भी इस प्रकार से ये है और यहाँ के जो लोग हैं झुग्गी झोंपड़ियों वाले यहाँ पर ऊपर कपड़े वगैरह सुखाने लग रहे हैं इसके ऊपर। और इस शिप का नाम है इंदिरा, इंदिरा नाम है ना। हाँ। ये कुछ बच्चे लोग मिले हैं दोस्तों हमें, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है और इस इंदिरा के अंदर हमें लेके जा रहे हैं। इसका नाम इंदिरा है तो आराम से चलना पड़ेगा, जगह जगह से फूटा हुआ भी है ना। हाँ। तो अंदर भी गिर सकते हैं। हाँ। तो ये देखिए भाई, मैं आ चुका हूँ बहुत बड़े शिप के ऊपर और इस प्रकार से ये देखिए फिर फूटा हुआ है, कहीं से अंदर पाँव ना चला जाए। तो आपका क्या नाम है सबका, बोलो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयद है। जयद, मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, वो सब्सक्राइब कर लेना। ओ भाई सर, क्या नाम है? जेदू द व्लॉग। और मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन है ना, जेदू द व्लॉग। हाँ, तो ये बच्चे लोग जो है वो छोटे छोटे यूट्यूबर भी हमें मिले। आराम से चलना, देखो बेटा। और भाई साहब कितना खतरनाक यहाँ पर है। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये शिप के नीचे का हिस्सा है, देखिए ये पूरा ऐसे इस प्रकार से कबाड़ पड़ा है नीचे का हिस्सा, और हम इसके ऊपर चलने लग रहे हैं ऐसे, और इसके ऊपर से निकलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये छोटू जो है वो हमें बताने लग रहा है, आराम से चलना है ना। और भाई साहब, और ये देखिए इतना बड़ा, ये एकदम कुंड नुमा बना हुआ है ये जहाज के ऊपर से ही। और पहले बैट बॉल खेलते थे। अच्छा, बैट बॉल खेलते थे अंदर। हाँ छोटो, आपका छोटा वाला है, आपके क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन, हाँ तो गाइस को बताओ या क्या क्या है यहाँ पर, बताए आप। ये टूटेला है। अच्छा भाई साहब, ये देखो ये ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा हमें। ये बोट की हालत आप देख सकते गाइस, इधर से कोई ज्यादा आता जाता नहीं है गाइस, आप ये देखते हैरान हो जाओगे गाइस। आप ये देखिए गाइस, पूरा टूटा उटा है, देखो ना, देखिए इसको। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए भाई, ये है इसका नाम क्या, इंदिरा है ना। इंदिरा। हाँ, तो इसको आए हुए यहाँ पर 10-12 साल हुए हैं, जब आपका जन्म ही नहीं हुआ था ना। हाँ, हाँ, 12 साल का ही। और इधर ये एक और शिप है जिसके ऊपर के हिस्से को खोल दिया गया है, और ये बहुत बड़ा इस प्रकार से। यही वाली बोट इधर सोखी थी, वो पूरी देखो टूट गई है। अच्छा, ये वाली बोट क्या हुआ? हाँ, ये वाली बोट का यहाँ पे देखो अभी खंबा लगा, ये भी उखड़ गया है यहाँ पे लगा था अभी देखो इससे। अच्छा, ये मतलब हाँ कनेक्ट दिए थे, पूरा पूरा टूट गया, ऐसा लेके भाग गई। अच्छा, तो ये आपस में इनका टकरा हुआ था क्या? हाँ। अच्छा, आप बोलो तो अभी नीचे गिर गया, देख सकते गाइस वहाँ पे आपको लेके जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा, वो देखो वहाँ पे अच्छा न्यूज निकलेगा। चलो चलो गाइस, कहाँ से कहाँ से? यहीं से, वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी बोट है। अच्छा, वहाँ चलो ना। अच्छा अच्छा, तो अर्जुन भाई साहब कितना फ्रेंडली मिला हमें। अब वो तो मैं फ्रेंडली भी है और कॉमेडी भी है। अच्छा, और भाई साहब आते समय अंदर जाते समय, ओए होए होए, क्या ही रास्ता भाई। देखो हम लोग जाते समय मैं इधर से, हम लोग को अच्छा, आदत पड़ गई ना, इसके लिए हम लोग डरते नहीं। अच्छा, आपको आदत पड़ गई है ना। हाँ। ये भी तुम्हें मालूम है क्या, तीन लड़के इधर से डायरेक्ट इसके अंदर गिर गए, तो फट जाता है। क्या बात कर रहे हो, वही तो। आप चलिए, तो खड़ा हूँ शिप के ऊपर और ये किनारे के ऊपर, यहाँ पर इस प्रकार से झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई है लोगों की, और हमें ये छोटे छोटे बच्चे जो जैद नाम है, एक का नाम अर्जुन है वगैरह, हमें इस प्रकार से घुमाने लग रहे हैं और हम किनारे किनारे चल रहे हैं शिप के ऊपर। भाई साहब, ये मेरा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है कि मैं शिप के ऊपर आया हूँ, लेकिन वो भी कबाड़ पड़ी है ऐसे, चालू के ऊपर नहीं आया हूँ कभी। हैं, अच्छा यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं ना। आराम से चलना यार, ये पूरी फूटी हुई पड़ी है, ऐसे चल रहे हैं हम आगे। अच्छा, इसमें पानी इकट्ठा होता है, आप नहाते हो क्या अंदर? हैं? अच्छा, ये तो पूरा एक तरह का स्विमिंग पूल के जैसा ही है तो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ए लग जाएगा। हाँ, ऐसे कूदना नहीं, नहीं 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 जाना, आपने नहीं जाना, लग जाएगी यार। अभी आपके लग गई तो मेरे ऊपर आएगा, फिर मेरे को यहाँ पर लोग मोहल्ले से बाहर नहीं निकलने देंगे। अंकल आए थे मच्छी पकड़ने। अच्छा, इसके अंदर बोई मच्छी बहुत सारी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं इंदिरा जहाज के ऊपर खड़ा हूँ, इसका नाम इंदिरा हुआ करता था, आज ये इस खस्ता हालत में पड़ा है। और किसी जमाने के अंदर ये समुद्र के अंदर गोता लगाया करता था, समुद्र की लहरों से भिड़ता हुआ ये इस प्रकार से चीरता हुआ समुद्री यात्राएं किया करता था किसी जमाने में। लेकिन आज फिलहाल ये हमारे अर्जुन और जैद वगैरह इनके लिए एक खेल, सोयल जो भी है, सबके लिए खेलने का और टहलने का एक साधन बन चुका है। तो ये बहुत बड़ा सिप है, कब से घूमने लग रहे हैं, लगभग इसके ऊपर आधा घंटा हो गया। और आसपास का जो मैं आपको थोड़ा सा कॉलोनी का नज़ारा दिखाऊं, तो ये इस प्रकार की कॉलोनियाँ यहाँ पर आसपास टोटल बसी हुई है, लोग यहाँ पर गुजर बसर करते हैं। और भाई साहब, आगे तो बहुत सारे सिप है, आप ये देखिए कितने बड़े बड़े जहाज यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे।
है ना। तो चलो भाई आगे। यार आप जो ये बच्चे लोग जो बोल रहे हैं इनकी भाषा मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, वो ऐसे फिल्मों में मिलते हैं, अरे इधर आने का उधर से जाने का इधर ऐसे निकलने का, यार टपोरी वाली भाषा। ये अर्जुन है, अर्जुन बहुत सही है। और तेरा नाम क्या है भाई? सोहेल, जैद, आयान, आरिफ, बहुत सारे लोग। देखिए और ये सारे बंद पड़े हैं क्या? नहीं, ये चलते हैं क्या? ये इन लोग को अभी रिपेयर करने का है। अच्छा, रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जो जिसका यहाँ पे वो जो काम जगह है ना, ये काली कितना वो बड़ी वाली बोर्ड, सब लोग मैच खेलने जाते हैं। अच्छा, इधर ये इन लोगों को ठीक करने के लिए आयला है। आयला है। अच्छा, ये बोट आपकी भी है? अच्छा, मेरा ड्राइवर है। अच्छा, वैसे सर खतरनाक माहौल मिल गया मेरे को तो यार, एकदम ये देखो किस्मत, मेरे को तो ऐसा पता ही नहीं था यार। अच्छा, वो बंद है नहीं? देखो नई बन रही। अच्छा, नई भी बनती है क्या यहाँ पे? है ना अर्जुन, यहाँ पे नई भी बनती है? हाँ अंकल। अच्छा, और रिपेयर भी होती है? वही तो, मामू को ऑर्डर दे चुकी है पूरी बोर्ड काटने। अच्छा, काटते नहीं है पर। अच्छा, ये और काटने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं? देखो काटने के उधर काट रहे हो, देखो वो डब्बा खुलेला ना ढक्कन। हाँ, वो खुलेला है। ये वो जो डब्बा खुलेला है उधर वो काटने लग रहे हैं। और ये पत्थर किसने रखे? ये पत्थर हम लोग ने। अच्छा, तुमसे कहाँ से उठ जाएंगे ये इतने बड़े बड़े? छोटे छोटे पत्थर लेके आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जहाज जो है वो हिलने लग रहा है। देखो आपको शायद इसमें नजर नहीं आए, तो ये ऐसे हिल रहा है। मतलब कौन सा वाला? ये मैं जो खड़ा हूँ ये हिल रहा है, तुम्हारा वाला? हमारा वाला, ये वाला ही। ये भी है ना जमीन में धस। अच्छा, ये तो जमीन में धसा हुआ इंदिरा है ना? लेकिन ये आपके वाला हिल रहा है। हाँ। तो मैं ऐसे कूद जाऊँ क्या? ये तो आ जाओ, चलो आ जाओ। नहीं, एक एक मेरा हाथ पकड़ ले। नहीं पकड़ने, विश्वास रख, नहीं गिराऊंगा। कूद जा, आराम से बैठा, आ जा अर्जुन, आ जा। अरे चल, मेरा हाथ पकड़, मैं बता रहा हूँ, एक बार हाथ तो पकड़। अरे उठा लूंगा तेरे को, 10 किलो का। हाँ, पैसा पकड़ रहा, ये ले पैसा पकड़ भाई, ले आ जा, हाथ पकड़ मेरे। तू मेरा हाथ तो पकड़, मैं क्या, एक मिनट मेरा हाथ तो पकड़। अरे मेरा हाथ तो पकड़, मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ, हाँ आ जा। हाँ बस, हाँ नॉर्मल है ना, कोई टेंशन नहीं। तो ये बोट मतलब हिल रहा है इसलिए अर्जुन डर गया। बारिश आने लग रही है क्या? तो हम लोग को मालूम पड़ा ये इंदिरा बोट है। अच्छा, तो आपने पढ़ा था है ना? हाँ, पढ़ा थे हम लोग। मोबाइल में ना जो ये पूरा बना ना, इसके मोबाइल में है। अच्छा, वो भी तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कि यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो नाम लिखा हुआ है। देखिए ये इस प्रकार से इंदिरा नाम लिखा हुआ है इस बोट का, देखिए आप। ये और ये बहुत बड़ा शिप है, आप यहाँ पे जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक यही नजर आएगा आपको, ऊपर भी चढ़ के दिखाएंगे। अच्छा, हाँ वो वहाँ पे हिंदी में भी इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है इंदिरा, देखो इंदिरा। हाँ ये देखो इंदिरा ऐसे लिखा हुआ है। हम अभी जाने वाले है टाइटैनिक, अभी हम जाने वाले इंदिरा के ऊपर। और ये गाइस इंदिरा है, और हम इधर घूमने आए हैं, और तुम्हारे ऐसे लोग के लिए हम इधर सब वीडियो बनाते हैं। और अपना देख, अभी बताते गाइस हम, हाँ यहाँ पे खड्डा बताते कितना गहरा है, थोड़ा संभाल के गाइस ना, देख सकते गाइस कितना गहरा है, इतना गहरा है गाइस। राम राम। इधर अभी ये वाली बोट पे जाने वाले हम, तो देखते ये देखो यहाँ पे किच्चड़ बन गया पूरा। बारिश आने लग गई है, थोड़ा सा मौसम यहाँ पर खराब होने लग रहा है, और काफी तेज हवाएं चलने लग रही है। तो अभी हम धीरे धीरे इसे इंदिरा से नीचे उतरने लग रहे हैं, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जब मैं इस प्रकार की बड़ी बोट के ऊपर, इस प्रकार से बड़ी बोट क्या ऐसे, मतलब ये पहला एक्सपीरियंस है इतना बड़ा मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ, है ना। तो हम लोग बंद करके रखे, आराम से चलना है ना। और ये देखिए यहाँ के बच्चे यार डरते ही नहीं है, देखो कैसे यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम मैं आपको इस शिप का अंदर का रूम दिखाता हूँ कि किस प्रकार से रूम है यहाँ पर। ये देखिए एक रूम इस प्रकार का बना हुआ है, और यहाँ पे देखो चिल की हड्डी भी है। अच्छा चलो आगे चलो, देखो ये दूसरा, ये पूरा कटिंग होगा यहाँ पर, ये इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और ये पूरा शिप है यहाँ पर, ये रूम और बने हुए हैं।
आपकी कांच वगैरह नहीं लग जाए पायों में, ध्यान रखना है ना। अरे नहीं, ये देखो बहुत सारे कांच है अर्जुन। अरे भाई साहब ये देखो बहुत सारे कांच वगैरह है, और यहाँ पे यहाँ से ये नजारे दिखने लग रहे हैं, बहुत सारे जाले लगे हुए हैं मकड़ियों के, और एक अच्छा, और एक यहाँ पर ये इस प्रकार से कोई किचन है, ये किचन का एरिया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए वॉश बेसिन इस प्रकार से बना हुआ है, ये किचन हुआ करता था जब ये चलता था। और ये गेट से यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, और बारिश आने लग रही है। अब मैं इस इंदिरा जहाज का आपको इंजन रूम दिखाता हूँ ऊपर जाकर, जैसे ये लड़के लोग जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर के पोर्शन में हम भी चढ़ेंगे, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन का रूम किस प्रकार से है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरा इस शिप का जो है वो इंजन रूम है, यहाँ से ये जहाज पूरा ऑपरेट हुआ करता था। ये देखिए पूरा यहाँ पर ये डैशबोर्ड यहाँ पर इस प्रकार से बने हुए हैं, मीटर स्पीड वगैरह सब कुछ, लोकेशन वगैरह देखने के हिसाब से टेम्परेचर वगैरह सब कुछ इसके अंदर दिखता था। और बाहर जो है वो बहुत तेज बारिश आ गई है, ये देखिए बहुत तेज बारिश आने लग रही है, और काफी तेज हवाओं के साथ बारिश आई है। और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से एक टैंक भी लगा हुआ है, पता नहीं क्या ये चीजें है भाई। यहाँ पर इंदिरा जहाज के ऊपर टॉप पे हम लोग खड़े हैं, जो ये इंजन रूम आप देख रहे हो अंदर से मैंने आपको दिखाया, और बाहर से मैं थोड़ा सा आगे जा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि ये इस प्रकार से इंदिरा यहाँ पर लिखा हुआ है, और नीचे भी कुछ जानकारी लिखी हुई है। और लगभग ये 200 से 300 साल पुराना बोट है, अंग्रेजों के ज़माने में ये समुद्र की लहरों के अंदर तांडव मचाया करता था ये विशाल भीमकाय ये जो जहाज है, लेकिन फिलहाल इसकी अब मौत हो चुकी है, ऐसा कह सकते हैं एक तरह का ये अब कब्रिस्तान में आ चुका है। अब यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय होगा, इसको काटेंगे गलाएंगे, इसके जो पार्ट्स है लोहा जो बेचेंगे, और वापस नए पार्ट्स बनाए जाएंगे। और एक यहाँ पर और हाँ ये पानी में सड़ेगा फिर काटेंगे वगैरह। हाँ जो इसका मालिक था ना, हाँ इसका मालिक उसको इसके अंदर ही मर गया, फोटो उधर इसका पहले अंदर था मालिक का फोटो, कपड़ा विपड़ा अभी कपड़ा वहाँ से दिखता था, और अच्छा। ये बोट पे काम चालू पानी, तो ये अंदर मर गया कैसे? हाँ अंदर कैसे मरा हुआ? अरे वो दलदल में चला रहे थे हाँ? बोट तो एक बोट से ठुकी हाँ? तो बीच पानी में डूबने लगी। अच्छा यहाँ से दो तीन बोट गई थी इसको बचाने, तो यहाँ पे आई। अच्छा ये मतलब डूब गई थी पहले? हाँ पहले दलदल में घुस गई, सड़ गई थी। अच्छा पहले ये पूरी प्लेन थी, और इसके अंदर बहुत सारी मतलब मौतें भी हो रखी है। हाँ, ये बहुत सही था। दो तीन बच्चे तो भी इसको एक बार भूत पकड़ा था, बुक भी है बुक। अच्छा सबका नाम लिखा है, कहाँ से आई है, कहाँ पर। अच्छा मतलब ये पूरा इसका इतिहास भी ये बता रहे हैं। एक बार भूत पकड़ा था। अच्छा हाँ इधर ही एक यहाँ पे कंचना बोर्ड भी मतलब यहाँ बच्चों की मौत हो रखी है कैसे भाई? अरे तैरने गए थे क्या? नहीं तैरने नहीं, बच्चे अभी खड्डा हो गया ना हाँ, तो इसके अंदर गिर जाते बच्चे लोग। अच्छा तो ऐसे ही मौतें होती हैं। एक बार आदमी का मुंह है। अच्छा एक बार ये ना कंचना बोट थी। अच्छा कंचन बोट अभी है, अभी बन गई है, अभी उस साइड है बन गई। क्या चीज? कंचना बोट। कंचना बोट नहीं बन रही है? बन गई है, पहले बहुत पुरानी थी। ये इसके अंदर ये रात को अकेले किसी का भूत पकड़ते थे। ये रात तो कंचना नाम की बोट को भी नया तैयार किया जा रहा है। जो है वो बीच वाला कमरा है ना, दरवाजा इससे उतर के नीचे इंजन का चेकिंग करते थे, उसके बाजू वाला ये कमरा, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है वो सब। अब यहाँ से ऐसे नीचे उतरने लग रहे हैं हम लोग इसके, थोड़ा किनारे के पास में बनी इस झुग्गियों की जिंदगी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर घर बने हुए हैं, एक के ऊपर एक इस प्रकार से घर बने हुए हैं, और पानी को स्टोर करने के लिए बाहर इस प्रकार से रखते हैं ताकि भाई जो भी है अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए जो पानी यूज करते हैं पीने कपड़े धोने वगैरह के लिए, तो ये यहाँ का इस प्रकार का माहौल है। बाहर बारिश से बचने के लिए ऊपर इस प्रकार से पन्नियां भी लगा रखी है, तो ये है भाई नज़ारा बेहद ही खूबसूरत। अब ये इस माहौल के आदि हो गए हैं, और अगर ये चिकने चिकने ये पत्थरों से अगर पांव फिसला तो सीधे नीचे कीचड़ में जाएंगे, जहाज के पास जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बोट का नाम है जाला 15, और उसका कुछ अलग नाम होगा शायद, वहां पर लिखा हुआ है के कमल, क्या नाम है? KAMAL कमल एक्स, वो कमल है। और यहाँ पर ये हर जहाज ये इस जहाज का नाम है सूर्य शक्ति, देखो ऊपर ये लिखा हुआ है ना सूर्य
शक्ति और उसका कुछ अलग नाम, ऐसे हर एक जहाज का अलग अलग नाम है। और पास में इस प्रकार की ये झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई है और ये बड़े बड़े शिप भाई साहब, ये कोई रिपेयर होने के लिए आए हैं, कोई यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने आए हैं, कोई नए बन के जाए। ये तो शायद चलता है ना? हाँ, चलता है। ये तो देखो चालू कंडीशन में है पूरा, और वहाँ पे देखो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अच्छा, और वो उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये माहौल है यार, बहुत अच्छा लगा। और ये इतना बड़ा जो है वो ये लंगर, ये नीचे धरती में डालने के लिए लंगर लगे हुए हैं। खाना जो नाम, इसके पीछे का क्या इतिहास है? मतलब उधर मच्छी पकड़ने। अच्छा, अंग्रेजों के जमाने का है ना? दरी में नहीं, नहीं नहीं जाना, नीचे मत जाना।